ध्यान से देखिएगा, आपको पता है क्या लिखा है, ड्यू टू प्राइस हाइक ऑफ 20%, मतलब चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया, 20 इसका मतलब 1/5। अब आपको पता है एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इंटू कंजप्शन, देखना जरा ध्यान से, चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया, मतलब चीनी का मूल्य पहले 5 था, 1 बढ़ गया, तो कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, 4 kg लेस शुगर इज अवेलेबल फॉर 120 रुपीज, मतलब क्या हुआ कि प्राइस 20% बढ़ने से 120 रुपये में 4 किलो चीनी कम आती है। ठीक है, मतलब खर्चा नहीं बढ़ा रहा वो, खर्चा 120 रुपये का ही है, ये एक्सपेंडिचर है, ये प्राइस है, ये कंजप्शन है। मान लो कोई 120 रुपये खर्च करता है, 5 रुपये का प्राइस है तो 24 किलो चीनी आएगी। अब कोई 6 रुपये खर्च, 120 रुपये खर्च करता है, 6 रुपये का प्राइस है तो 20 किलो चीनी आएगी। आपने क्या देखा, 4 किलो चीनी कम आ रही है, ये तो भाई साहब बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया सवाल के साथ, तो बस इनिशियल प्राइस हो गया 5 रुपए का, खत्म। बाद का प्राइस उसका तो 6 रुपए हो जाता, आंसर हो गया।